आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में भारतीय जन नाट्य संघ की ओर से 2.5 एकड़ प्रेम की सांस्कृतिक यात्रा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्य में निकाली गई है। यह सांस्कृतिक यात्रा 9 अप्रैल से 22 मई तक लगातार चलता रहेगा। यह यात्रा 22 जिला, 40 कस्बों और 38 गांव में किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत अंगभूमि के गुमनाम पर नेताओं को भी याद किया गया। इप्टा की यह सांस्कृतिक यात्रा आज भागलपुर पहुंची। इस सांस्कृतिक यात्रा दल के भागलपुर पहुंचने पर स्थानीय सैंडिस कंपाउंड स्थित भारतेंदु रंगभूमि में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में सांस्कृतिक मूल्यों एवं इप्टा पर आधारित गीत संगीत कार्यक्रम एवं नाटक की प्रस्तुति भी की गई। इस अवसर पर आयोजन स्तर पर मंजूषा पेंटिंग की भव्य प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं 21 अप्रैल को स्टेशन चौक के स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तिलका मांझी चौक स्थित बाबा तिलका मांझी चौक, जीरो माइल चौक में वीर शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गीत की प्रस्तुति की जाएगी। यह जानकारी भागलपुर इप्टा के अधिकारियों ने दिया। भागलपुर में प्रस्तुति के दौरान पटना के दौरा इप्टा के सचिव तनवीर अख्तर के निर्देशन में पटना इप्टा के कलाकार पीयू सिंह, साकिब खान, अमन, सूरज, अखिल, शिवानी, स्वीटी, फिरोज आलम, निपेश नाल वादक ने अपनी उम्दा प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। वहीं किलकारी के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति भी दी। बिहार इप्टा के सचिव मंडल के सदस्य संजीव कुमार सिंह दीपू ने इस सांस्कृतिक टीम को बिहार के बरबीघा से लेकर अपने सहयोगियों के साथ भागलपुर लाने का काम किया। इस अवसर पर भागलपुर इप्टा के अध्यक्ष प्रोफेसर उपेंद्र शाह, महासचिव श्वेता भारती, सचिव सुमित मिश्रा, संजीव कुमार दीपू, अवधेश राय के अलावे दर्जनों लोग उपस्थित थे। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। आप सभी जानते हैं कि पूरा भारत आजादी का 75वां वर्ष मना रहा है। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं, सरकारी स्तर पर भी हो रहे हैं, लेकिन इप्टा ने अपने ढंग से आज़ादी का जश्न मनाने का निर्णय लिया। और उस निर्णय के तहत हम लोगों का सोचना था कि आज़ादी के 75 साल में जब हम प्रवेश कर गए हैं तो हमारा भारत क्या नेहरू के सपनों का भारत है कि नहीं है, हमारा भारत अंबेडकर के सपनों का भारत है कि नहीं है, हमारा भारत गांधी के सपनों का भारत है कि नहीं है, हमारा भारत मौलाना आज़ाद के सपनों का भारत है कि नहीं, अनगिनत हमारा भारत सरदार पटेल के सपनों का है कि नहीं है, हमारा भारत जो उस वक्त के स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा, उस वक्त की आम जनता ने देखा, वो सपना हमारा 75 साल में पूरा हुआ है कि नहीं। और दूसरी तरफ हमारे पूरी आज़ादी के आंदोलन में जो नाम और अनाम जितने शहीद हुए हैं, जो लोग अपनी कुर्बानियां उन्होंने दी हैं, उन सब को हम याद कर रहे हैं आज के की तिथि में, कि हम सबको सलाम करते हैं। और इसी के मद्देनज़र इप्टा ने ये निर्णय लिया कि हम कबीर की एक बहुत मशहूर पंक्ति है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोए, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, इसी में ढाई आखर प्रेम का नारा लेकर के हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम एक ढाई आखर प्रेम की यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा 8 अप्रैल से छत्तीसगढ़ से शुरू हुई है और छत्तीसगढ़ में यात्रा करते हुए झारखंड पहुंची है। झारखंड के बाद 18 तारीख को बिहार में नवादा की तरफ से हम प्रवेश किए हैं और ये यात्रा यहाँ से निकलेगी तो कटिहार और बिहार के करीब 20-22 ज़िलों से होते हुए वो बनारस जाएगी, बनारस उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये हम जो यात्रा कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि एक हम पात्र लेके चल रहे हैं, हम पूरे जहाँ जहाँ जा रहे हैं जो हमारे पुरखे हैं जो शहीद हुए हैं वहाँ की मिट्टी इकट्ठा कर रहे हैं और ये साझी शहादत और साझी विरासत की मिट्टी का लेकर हम यात्रा कर रहे हैं और ये मिट्टी का हम उत्तर प्रदेश को सौंपेंगे और उत्तर प्रदेश की इप्टा के कलाकार इसे आगे लेकर के जाएंगे जो मध्य प्रदेश को सौंपेंगे 15 मई को। पुर की धरती को हम सलाम करते हैं जहाँ तिलका राम मांझी और कई ऐसे वो आंदोलन
हुए हैं और शहीद हुए हैं उनको हम सलाम करते हैं, और साथ ही भागलपुर के युवाओं से ख़ास तौर से मेरी अपील है कि वो सांस्कृतिक कर्म से जुड़े, नाटक से जुड़े, संगीत से जुड़े और इस माध्यम से हम प्रेम की बात करें। आज देखा जाता है कि कम उम्र में लोगों के हाथ में हथियार पकड़ा दिए जा रहे हैं, पिस्तौल पकड़ा दिया जा रहा है, तलवार पकड़ा दिया जाता है। हम कैसा युवा तैयार कर रहे हैं, कैसी पीढ़ी हम बनाएंगे, इसलिए हमारा संदेश है कि कला माध्यम एक ऐसा माध्यम है जो प्रेम का संदेश देता है। तो भागलपुर की एक सुदृढ़ परंपरा है, यहाँ की कला की परंपरा है, यहाँ की शिल्प की परंपरा है, ये स्थान कला को इसने जन्म दिया है जिसने पूरे देश नहीं दुनिया में इस जगह का नाम बहुत लोगों ने जाना है और ख्याति प्राप्त हुआ है। इसलिए फिर से अपील है कि भागलपुर को उस ख्याति के अनुरूप इसके नाम को हम लोग आगे बढ़ाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।